देखिए, अगर आप भी अपने आईफोन में नॉर्मल स्क्रीनशॉट को या किसी पिक को अपने एप्पल फ्रेम में ऐड करना चाहते हो, देखिए जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पे आप इसे अपने एप्पल फ्रेम में आप इसे लगाना चाहते हो, तो देखिए उसके लिए शेयर पे आना अपने और यहाँ से आपने नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर देखिए आपको एप्पल फ्रेम का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने इस पर आ जाना है और यहाँ पर देखिए जो आपका नॉर्मल स्क्रीनशॉट था वो यहाँ पर एप्पल फ्रेम में आ चुका है। देखिए मैं चेक कराता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर जो आपका मैंने स्क्रीनशॉट अभी लिया था वो यहाँ पे एप्पल फ्रेम में आ चुका है। आप भी अपनी फ़ोटोज़ को कैसे या नॉर्म अपने स्क्रीनशॉट को कैसे आप नॉर्मल से अपने एप्पल फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसके लिए देखिए आपने करना क्या, आपने अपने सफारी ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पे आपने सर्च करना है, सर्च करना है एप्पल फ्रेम शॉर्टकट। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से आपने गेट शॉर्टकट इस पर आ जाना है और यहाँ से आप ओपन पे आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पे देखिए ऐड शॉर्टकट का ऑप्शन आएगा, तो आपने ऐड शॉर्टकट इस पर जाना है। यहाँ पे देखिए यू हैव ऑलरेडी हैव ए शॉर्टकट नेम्ड एप्पल फ्रेम, क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही मैंने ये शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया रिप्लेस के की बोथ एंड कैंसिल का, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए जब भी आप कोई भी अपना स्क्रीन शॉट लोगे, नॉर्मल स्क्रीन शॉट को आप अपनी आईफोन फ्रेम में यानी एप्पल फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी फ़ोटोज़ को भी आप अपने एप्पल फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ से शेयर वाले बटन इस पर आ जाना है और यहाँ से आपने नीचे की साइड में आना है और यहाँ पे देखिए एप्पल फ्रेम इस पर आना है और यहाँ पे सेव टू फोटोज़, देखिए जो आपका नॉर्मल स्क्रीनशॉट है वो आपका एप्पल फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह आप अपने किसी फ़ोटोज़ को या स्क्रीनशॉट को नॉर्मल से आप आईफोन फ्रेम में एप्पल फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।